जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, बता दें सीएम योगी आज कुमारगंज अयोध्या में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला एवं युवा सम्मेलन अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति पत्र और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 3,415 से भी अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। सीएम योगी आज स्मृति शेष अधिवक्ताओं के आश्रितों को सहायता राशि का भी वितरण करेंगे। आपको बता दें ये बड़ा कदम है, एक तरफ से कह सकते हैं कार्यक्रम होने वाला है सीएम योगी का अयोध्या में। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रिजवान खान हमसे जुड़ चुके हैं। रिजवान, आज एक कह सकते हैं सौगात जो है सीएम योगी की तरफ से मिलने वाली है छात्र छात्राओं को भी और अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी, क्या कुछ जानकारी? रिजवान, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए आपको बता दें कि कुमारगंज अयोध्या में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला और युवा सम्मेलन हो रहा है, जिसके अंतर्गत सीएम योगी युवाओं को नियुक्ति पत्र और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 3,415 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। सीएम योगी आज स्मृति शेष अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी सहायता राशि का वितरण करेंगे। संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं रिजवान खान। रिजवान, सौगात आज बड़ी सौगात जो है छात्र छात्राओं को मिलने वाली है, शेष अधिवक्ताओं के आश्रितों को सीएम योगी की तरफ से मिलने वाली है, ये कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है, तो वही 15 दिन के अंदर ये तीसरी बार दौरा माना जा रहा है, क्योंकि पहला जो दौरा था वो 6 अगस्त का, दूसरा 10 अगस्त को और तीसरा आज, क्योंकि इस दौरे को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो रोजगार जो मेला है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा भी माना जाता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो रोजगार के बेरोजगार के मुद्दे उठे थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात करें कि जो उपचुनाव को लेकर के, यानी तो मुख्यमंत्री के पास में 2 सीटें हैं जो की एक कचहरी है, और उसको लेकर लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कहीं ना कहीं जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से जो आज रोजगार मेला जो है किया जा रहा है, उसको लेकर के तकरीबन सैकड़ों कंपनियां भी वहां पर मौजूद होगी, तो कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तकरीबन 50,000 छात्राओं को रोजगार देने का जो है कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल, उपचुनाव आने वाले हैं प्रदेश में और इसी के तहत जिस तरह से कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं सीएम योगी, जगह जगह सौगात दे रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ने की संभावना है? देखिए, इस तरह से अगर माना जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की तमाम सीटों पर हार हुई और सबसे बड़ा मुद्दा बना था अयोध्या से सीट को लेकर, लेकिन इस बार जो 2 सीटें मुख्यमंत्री के पास थे वो अयोध्या सबसे बड़ा चुनौती कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, जिसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री है वो अच्छे बोर्ड में नजर आ रहे हैं। और जो रोजगार मेला है, शायद इसको राजनीतिक तौर पर भी हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से वहां पर 50,000 छात्र छात्राओं को रोजगार देने का जो है वादा किया जा रहा है, तमाम जिस तरह से 15 दिन में बीजेपी का जो है तीसरी बार दौरा अयोध्या में देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या तेजी लगाया जा सकता है कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि किसी भी तरह से इसको जो लोकसभा जो उपचुनाव की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उनको जीतने का लक्ष्य जो है माना जा सकता है। बिल्कुल रिजवान, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जो देखने को मिला है, उसके बाद एक बड़ी रणनीति जो है तैयार करनी पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव जो आने वाले हैं उसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, जिस तरह से लगातार जो मोदी और योगी के नाम पर जिस तरह से जो वोट हो रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने अपना जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने लोगों के दिल में अपना अपनी कहीं ना कहीं जगह बनाई थी, जिसको लेकर तमाम जो है सीटें इंडिया गठबंधन के साथ जो है पाले में गई थी, जिसका उसके बाद भाजपा को कहीं ना कहीं एक बड़ा करारा झटका भी लगा था, और उसको उसी को लेकर इस वक्त इस बार जो 10 सीटों के जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं जो सीएम योगी है वो तमाम मंत्रियों के साथ में उन्होंने बैठक भी की है, और कहीं ना कहीं जो 10 चुनाव सीटें हैं
वो तमाम मंत्रियों के दो तीन मंत्रियों के जो है पाली में कर दी गई कि उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दे दी गई कि आपको तमाम जो है जिस चुनाव की जो सीटें हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करनी है और उस पर कड़ा प्रदर्शन भी करना है और तमाम मेहनत करने के बाद इसको जो है जिताने का भी जो है कहीं ना कहीं काम करना है। तो जिसको लेकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार हर जो है कहीं ना कहीं बैठक करती नजर आ रही है, तमाम उन मुद्दों पर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात अगर हम जो लोकसभा चुनाव में जो रोजगार का जो मुद्दा उठा था उसको लेकर लगातार जो रोजगार मुख्यमंत्री की तरफ से जो रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, वही अगर हम बात करें तो अभी अम्बेडकर नगर और जो है वहाँ पर कल करीब जो है मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तमाम रोजगार मेला जो है आयोजन हो रहे थे। ऐसे में जिस तरह से अयोध्या में तीसरी बार यानी 6 अगस्त, 10 अगस्त और आज यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 दिन में एक ही जनपद में तीसरी बार जो दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा सकता है कि जो राजनीतिक जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं हवा देने का काम किया जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं मजबूती से उसको जीतने का भी काम किया जा रहा है। अगर उनकी मुख्यमंत्री की बात करें तो जो उनका समय है किस तरह से उनका पहुंचने का है, जो आयुक्त जो रोजगार मिले युवाओं सर उपस्थित कर जाएंगे, पूरी अयोध्या के चार नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित देवी स्कूल के मैदान में यह रोजगार मेला आयोजित किया गया है और साथ ही साथ इस मेले में देशभर के तकरीबन 100 कंपनियां हिस्सा लेंगी। वो मेले में आने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार जो आयोजन से जुड़ी तैयारी को लगातार जो है मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इसको रोजगार देने का काम किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री का जो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से दो उपचुनाव सीटों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है और कटेरी और अयोध्या की, तो लगातार कहीं ना कहीं बिल्कुल देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के साथ लगातार उनकी बैठक हो रही है, तमाम जगहों पर उनके लगातार रोजगार मिले हैं वो कहीं ना कहीं आयोजित हो रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से जो करारी हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर और इंडिया गठबंधन के पाले में जीती चुकी गई है, तो कहीं ना कहीं उसी तरह बिल्कुल बीजेपी लगातार कड़ी मेहनत कर रही है, तमाम जो है बैठक कर रही है, तमाम मंत्रियों के साथ में कर रही है, तमाम पदाधिकारी के साथ में कर रही है और कहीं ना कहीं अपने बूथ लेवल भी कहीं ना कहीं मजबूत करने में लगी है कि किसी भी तरह जो 10 सीटें हैं उपचुनाव को जीत सके, तो तमाम जो उन सीटों पर उनको जीत का सामना कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए रिजवान। तो बता दे सीएम योगी का लखनऊ और अयोध्या में कार्यक्रम है, छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया जाएगा, वहीं शेष अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी सहायता राशि प्रदान करेंगे। और लगातार हम देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले उपचुनाव को लेकर एक्टिव है और कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दे दिया है कि इस बार बीजेपी को बड़ी रणनीति बनानी होगी, कमर कसनी होगी ताकि जीत सुनिश्चित कर सके। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहें रफ्तार मीडिया। नमस्कार।